प्रदेश के युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करने के लिए शिमला यूथ प्रोग्रेसिव एसोसिएशन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। शुक्रवार को एसोसिएशन ने न्यू शिमला स्थित जेसीबी स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें नाटक के माध्यम से युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करने का प्रयास किया गया। प्रदेश की युवा पीढ़ी लगातार नशे की गर्त में जा रही है, जो सभी के लिए चिंता का विषय है। इसी को देखते हुए शिमला यूथ प्रोग्रेसिव एसोसिएशन अब युवाओं को नाटक के माध्यम से नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक कर रही है। शुक्रवार को न्यू शिमला के जेसीबी स्कूल में संस्था द्वारा नाटक का मंचन किया गया, जिसमें नाटक प्रस्तुत कर नशे से होने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी दी गई। अनिकेत की कहानी, अनिकेत की जवानी। मेरा नाम अनिकेत है। मैं भी आप ही लोगों की तरह था, माँ बाप का लाडला बच्चा और बहुत अच्छे खानदान से था, बहुत प्यारा। मुझे किसी भी तरह का कोई शौक नहीं था। इस मौके पर न्यू शिमला थाना के एसएचओ लक्ष्मण सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि नशा युवाओं को लक्ष्य विहीन कर रहा है और युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए। युवा पीढ़ी हमारी नशे की दलदल में डूबती जा रही है और प्रदेश के सीएम द्वारा, डीजीपी द्वारा, पुलिस द्वारा और सब एनजीओ द्वारा यहाँ पर जागरूकता अभियान जन जन तक पहुँचाने के लिए चलाया गया है, जिसकी मैं सराहना करता हूँ। क्योंकि पब्लिक के नशीले पदार्थों की डिमांड को रोकने, चेक्स लगाने के लिए हर एक संस्थाओं को, हर एक समाज के हर एक अंग को एकजुट होने की बहुत अति आवश्यकता है। संस्था के अध्यक्ष धर्मपाल ठाकुर ने बताया कि नशा चिंता का विषय बन गया है। उन्होंने कहा कि जागरूकता के माध्यम से ही इससे निपटा जा सकता है। शिमला यूथ प्रोग्रेसिव एसोसिएशन का ये चौथा कार्यक्रम था। इससे पहले डीएवी न्यू शिमला स्कूल के अंदर ये कार्यक्रम हुआ, उसके पश्चात छोटा शिमला सेकेंडरी स्कूल में ये कार्यक्रम हुआ। तीसरा कार्यक्रम हमारा रामपुर दुशहर कॉलेज में हुआ और ये चौथा कार्यक्रम आज जेसीबी में हुआ। जहाँ तक जनता का रिस्पांस की बात है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। क्योंकि अभी एक वीडियो जो हमने डाला था, ये एक ड्रग यूज़र था जिसकी आइडेंटिटी हमने छुपाई थी, तो कम से कम 72-73 हज़ार लोगों ने उस वीडियो को देखा और मुझे मैसेज भी किया। मुझ पे मेरे फेसबुक आईडी पे काफ़ी मैसेज आ रहे हैं लोगों के, जो यूज़र हैं और जो ठीक हो चुके हैं, उन्होंने हमें बताया कहाँ से ये कारोबार चल रहा है, कहाँ चल रहा है, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। पूरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट युवाओं का और लोगों का रह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।